गोंडा गोंडा के दुखरानाथ मंदिर पे, और यहाँ पे पंडित जी की जो चाउमीन है बहुत ज्यादा फेमस और बहुत जबरदस्त है। पंडित जी जो चाउमीन बनाते हैं लाजवाब स्वाद होता है, और उसका स्वाद हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो चाउमीन होती है गोंडा में सबसे अलग और सबसे यूनिक होती है। पंडित जी की दुकान पहले गोंडा में दुखरानाथ वाले मंदिर साइड पे थी, लेकिन इनका लोकेशन चेंज हो गया। पहले पंडित जी की दुकान यहाँ पे थी, लेकिन अब दुकान आके इस साइड पे हो चुकी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चाउमीन बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, और फास्ट फूड पंडित जी का लाजवाब होता है, गोंडा में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तो ये लोकेशन चेंज हो चुकी है पंडित जी की, चलते हैं। और भाई पंडित जी की चाउमीन आप लोगों को स्पेशल वीडियो कवर करने वाले हैं, आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पंडित जी इसमें डाल दिए हैं, पंडित जी क्या क्या डाला आपने? प्याज डाला और हरा वाला मिर्ची डाल दिया पंडित जी, और ये पंडित जी डाल रहे हैं इसमें शिमला मिर्च। तो इसमें प्याज आ गया है, हरा मिर्च आ गया है, शिमला मिर्च, उसके बाद आने वाला है सोयाबीन जबरदस्त वाला। तो पंडित जी इसमें डाल रहे हैं सोयाबीन। तो इनकी चाउमीन स्वाद लाजवाब होता है, स्वाद अलग होता है। तो हम आपको दिखाएंगे पंडित जी की रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं, ऐसा अनोखा स्वाद क्यों है, सबसे अलग है क्यों है। आप कहीं भी जाएंगे, लेकिन नूडल्स जो होता है वो भी आप जाएंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, उसके टक्कर का पंडित जी का चाउमीन होता है, चाउमीन नूडल्स होता है। तो इसमें डाल दिए हैं पंडित जी प्याज डाल दिए हैं, सोयाबीन डाल दिए हैं, ग्रीन वैली डाल दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन वैली आ चुकी है, यहाँ से देख सकते हैं। पंडित जी कब से दुकान लगा रहे हैं आप? 11 साल हो गए। 11 साल से पंडित जी यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। पहले सामने लगाते थे, लेकिन अब उसके अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो पंडित जी की दुकान दिख जाएगी यहाँ पे। अब पंडित जी से कर रहे हैं अच्छी तरीके से मिक्स बंद गोभी पंडित जी के इसमें, और गाजर। इसके बाद क्या आने वाला है पंडित जी? अब नूडल्स डालेंगे। अब इसमें नूडल्स आने वाला है, नूडल्स डाल रहे हैं पंडित जी। कितने प्लेट एक साथ में तैयार हो जाता है पंडित जी? 15 प्लेट एक साथ। नमक आ रहा है ना? ये पंडित जी नमक डाल रहे हैं इसमें। इसके बाद क्या आने वाला है? अजीनो। ये आ गया अजीनो। ये कौन सा मसाला है? रेड और काली मिर्च मिक्स करके डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद पंडित जी से मिक्स करने वाले हैं, तो इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से, मतलब फ्राई कर रहे हैं। विनीगर डालेगा। विनीगर पंडित जी डालें इसमें विनीगर। ये सोया सॉस है, इसमें विनीगर और सोया सॉस आ चुका है। अब इसे पंडित जी भुनेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से और लाजवाब तरीके से फ्राई करेंगे। तो पंडित जी का बहुत ज़्यादा चाउमीन होता है, लोग पसंद करते हैं और लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए चाउमीन के लिए लोग लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, यहाँ पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। पंडित जी की चाउमीन कैसी होती है भैया? बहुत ज़बरदस्त होती है, आप बताइए। बहुत अच्छी होती है, आप बताइए भैया। बढ़िया होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है बता रहे हैं, कुछ से लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो पंडित जी की चाउमीन फाइनली रेडी हो चुकी है। तो पंडित जी की चाउमीन रेडी हो चुकी है, पंडित जी रेडी हो चुकी है। अब इसे पंडित जी लगाएंगे प्लेट में। आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों तक तो जरूर शेयर करिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं गोंडा से रिलेटेड, और अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो बाहर का वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।